सलाम अलैकुम, मैं हकीम अशरफ। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा तिला जो पेनिस के अंदर अगर किसी भी तरह की किसी को कमी है, यानी अगर पेनिस के अंदर नसों के अंदर खून का सर्कुलेशन ठीक नहीं है, या नसें नीली पड़ गई हैं, या बिल्कुल लिंग के अंदर यानी पेनिस के अंदर उत्तेजना बिल्कुल नहीं आती, यानी इरेक्शन उसके अंदर नहीं आता, इस तरह की भी अगर किसी को समस्या है उसको भी वो दूर करेगा। और इतना सस्ता वो तिला है, बहुत ही कम प्राइस में आपको किसी भी आयुर्वेदिक दवाखाना से वो आसानी से आपको मिल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तिलाय सुर के बारे में। तिला सुर, इसको जो मेरे पास है इसको हमदर्द कंपनी तैयार करती है, इसके अलावा कई यूनानी कंपनियाँ इसको तैयार करती हैं। ये भी एक फेमस तिला है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा किस तरह से आप अपनी नसों की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। अगर किसी को इरेक्शन कम आता है तो उसको भी आप कैसे ठीक कर सकते हैं। उससे पहले हमेशा इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर बहुत से लोग बहुत सी दवा इस्तेमाल कर चुके होते हैं, बहुत से तेल इस्तेमाल कर चुके होते हैं, तो उनको फिर भी आराम नहीं मिलता है। उसका मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही बताता हूँ, और इसका यही एक मेन पॉइंट भी होता है, क्योंकि अगर किसी को धातु रोग की शिकायत होती है तो उसको दूर करना पहले ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर जब तक आपको धातु रोग है, अगर कोई भी तिला या कोई आप खाने की पावर की दवा इस्तेमाल करते हैं उससे उत्तेजना बढ़ती है, जिसकी वजह से धात वगैरह की शिकायत या नाइटफॉल की शिकायत और ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसलिए अक्सर जो नाकामयाबी होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि धात वगैरह को पहले दूर नहीं करते। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें, अगर किसी को धात वगैरह की या नाइटफॉल की शिकायत है तो पहले उसको दूर करें, उसके बाद फिर इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो 101% इनका रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में अगर किसी को ज़्यादा वीकनेस है, हालांकि नॉर्मली भी आप खाने की दवा खा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को उत्तेजना में यानी अगर इरेक्शन कम आता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है, खाने की दवा भी इस्तेमाल करें और लगाने की दवा भी आप इस्तेमाल करें। इस तरह से जो अंदर की जो कमजोरी है वो खाने की दवा से दूर हो जाती है। इसके अलावा जो तिला होता है वो आपकी बाहर की कमी को दूर करता है, यानी नसों के अंदर जो वीकनेस है उसको दूर करता है। तो इस तरह अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको 101% रिजल्ट देगा। बात करें इसके यूज के बारे में कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं इसके बारे में। ये हार्ड तिला होता है, बहुत से तिला ऑयल ऐसे होते हैं जिनको अगर आप मालिश करते हैं तो किसी भी तरह की जलन वगैरह नहीं होती, लेकिन इसके लगाने से काफ़ी जलन होती है, इसलिए इसको इस्तेमाल करते वक्त ख़ास एहतियाती आपको बरतनी होगी। क्योंकि जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे पेनिस के अंदर जलन भी होगी और दाने भी निकलेंगे, क्योंकि पेनिस के अंदर जो नसों में रुकावटें बन जाती हैं या नसें नीली हो जाती हैं, काफ़ी लोगों को ऐसा भी होता है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं होता, या आप इस तरह समझ सकते हैं कि उसके अंदर पानी पड़ जाता है, तो ये जो तिला है वो उसको निकालने का काम करता है। इसीलिए इससे दाने भी होते हैं और जो नसों के अंदर कोई भी रुकावट है उसको ये दूर करने का काम करता है। तो इस तरह से जब रुकावटें आपकी दूर हो जाती हैं तो फिर आपके पेनिस के अंदर इरेक्शन भी आता है और जो आपकी उत्तेजना की कमी है वो ठीक हो जाती है। बात करें इसके यूज के बारे में, किस तरह आप इसको यूज करेंगे। और यूज करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। इसके अंदर जो पहली दवा है वो है घी, यानी गाय का घी इसके अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसके अंदर इस्तेमाल होता है जमाल घोटा, इसके अलावा इसके अंदर सिंगरफ इस्तेमाल होता है, इसके अलावा इसके अंदर सिमरफार इस्तेमाल होता है। जैसा कि अगर आप लोग जानते हैं दवाओं के बारे में, ये सारी दवा काफ़ी गर्म होती हैं, सिवाय घी को छोड़कर सिंगरफ भी बहुत गर्म होता है, सिमरफार भी बहुत गर्म होता है, इसी तरह जमाल घोटा भी बहुत गर्म होता है। इसीलिए ये जो तिला होता है काफ़ी तेज होता है, इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है। बात करें इसकी प्राइस की, इसका जो प्राइस है फ़िलहाल जो इसका रेट है ये आपको 50 रुपये में किसी भी आयुर्वेदिक दवाखाना से मिल जाता है, और ये आपको 10 ग्राम की डब्बी में मिलता है। ये एक ही डब्बी काफ़ी होती है हर तरह की नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए।
बात करें इसके यूज के बारे में, आप इसको किस तरह यूज करेंगे, सबसे पहले ये आपको ओपन करना होता है। इसको जब आप ओपन करते हैं तो इस तरह की ये आपको डब्बी निकलती है। इस दवा में से आपको लेना है एक चावल के बराबर। इसकी जो मिकदार है बहुत कम होती है क्योंकि ये तिला बहुत तेज़ होता है। जब आप इसमें से एक चावल के बराबर ले लेते हैं तो आपको इस तरह से इसकी मसाज करनी होती है, हल्के हाथ से तीनों एरिया में ये आपको लगाना है। आगे का हिस्सा छोड़ देना है और नीचे का हिस्सा भी छोड़ देना है। ये लगाने के बाद पान का पत्ता वगैरह इसको ऊपर लपेट दें और कच्चे धागे से इसको इसी तरह बांध कर सो जाएं। सुबह मॉर्निंग में गर्म पानी से अपने पेनिस को साफ कर लें। इस तरह इसको कंटिन्यू आपको लगाना है। किसी को 3 दिन के अंदर पेनिस के अंदर दाने निकल आते हैं और काफ़ी लोगों को 1 हफ्ते बाद निकलते हैं। जब भी आपको लगे दाने निकल आए हैं तो उस टाइम इस तिला को लगाना बंद कर दें और इसके बाद आप नारियल का तेल इसके अंदर पेनिस के अंदर लगाना स्टार्ट कर दें। जब दाने अच्छी तरह ख़त्म हो जाएं उसके बाद फिर आप इसको इसी तरह कंटिन्यू करें। तो इस तरह इसका यूज होता है। अगर आपने इसको इस तरह इस्तेमाल कर लिया, जो भी आपकी पेनिस के अंदर जो शिकायतें वो 101% दूर हो जाती हैं। इसी के साथ साथ खाने की दवा का भी आप इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये थी आज की इस वीडियो में जानकारी तिलाए सुर्ख के बारे में। इस तरह की और वीडियोज़ को पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।